a student. I am Ruchismita Mohanta from Government IIT Bhubaneswar. You will with me attentively for next 30 minutes for subject engineering drawing and topic gear and gear drive. In this topic gear and gear drive, I will explain what is gear, nomenclature of the gear, tooth profile, construction of the tooth profile, and some question and some formula. And last point, that is the types of gear. जिते सब पांचटा पॉइंट अच्छे पांचटा पॉइंट रुठ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हूँ फोर्थ पॉइंट रे किपर आमर टूथ प्रोफाइल गियर रूथ्र प्रोफाइल कमी कंस्ट्रक्शन करा डिस्कशन करी और कि प्रिभस क्वेश्चन कहबी जोटा कि स्टूडेंट मान गए कनसेप्ट आसपार कौ टाइप्र क्वेश्चन ये टपिक रु आसू केमी आटेम्प करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्रे तो क्वेश्चन को जितने सल्व करने कथ कहली तो आमको बहुत गुडा फर्मुला को मेमोराइज करा पड़ो फर्मुला को जाणी को पड़ो से फर्मुला गोटे वन बै वन मुझे डिस्कस करी फास्ट जानवा व्हाट इज गियर गियर कौन तो गियर आर द बेसिक एलिमेंट्स व्हिच आर यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन शाफ्ट्स सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस तो फास्ट पॉइंट आसला हमर पावर ट्रांसमिशन मु डायग्राम देके बुझौची कौन ना गियरटा कौन गियर हूँ गोटे मेसीन रोटे एलिमेंट जे कि कौन करुच्ची ना पावर ट्रांसमिशन करुच्च गोटे शाफ्ट रु आ गोटे शाफ्ट नेट दिस इज द शाफ्ट वन इटा शाफ्ट शाफ्ट वन इटा शाफ्ट टू शाफ्ट टू तो गियर काम हूँ गियर काम हूँ से पावर ट्रांसमिशन कर गोटे शाफ्ट रु आ गोटे शाफ्ट को सो पावर ट्रांसमिशन कर ट्रक ट्रांसमिशन कर मोशन भी ट्रांसमिट कर गोटे शाफ्ट रु आ गोटे शाफ्ट को तो ये केमी कर मन कर मो शाफ्ट वन गोटे गियर अरेंजमेंट कली एटा गियर वन आना हूँ गियर वन तो आर शाफ्ट टू मुझे गियर अरेंजमेंट कली से गियर टू गियर वन को कहा जाए ड्राइवर गियर गियर टू को कहा जाए ड्रिवेन गियर ओके तो पावर ट्रांसमिशन केमती करा जाए ना शाफ्ट वन शाफ्ट वन जदि मोटर शाफ्ट है तो मोटर शाफ्ट रोटेट करुच्छे तो शाफ्ट वन माउंटेड है गियर वन जेहेतु गियर वन टा शाफ्ट वन माउंटेड हो तो गियर जो शाफ्ट वन टा रोटेट कर निहाती गियर वन टा भी रोटेट कर गियर वन टीथ आउ गियर टू रीथ ये मेसअप जेहेतु गियर टू टा गियर वन टा रोटेट कर गियर टू टा भी रोटेट कर कारण तार टीटा मेसअप गियर टू टा माउंटेड हो शाफ्ट वन सहित शाफ्ट टू सहित तो जिते बड़े गियर टू टा रोटेट कर गियर सॉरी शाफ्ट टू टा भी रोटेट कर तो ये पावर टा ट्रांसमिट है गोटे शाफ्ट रु आ गोटे शाफ्ट को तापर आसला डिस्टेंस आम जानवा तो शाफ्ट जो अच्छी दीटा शाफ्ट अच्छी तो दीटा शाफ्ट भितर डिस्टेंस के दरकार जेतबाले शाफ्ट भितरे जेतबाले शाफ्ट भितरे डिस्टेंस बहुत अधिका थाए तो सेतबाले पावर ट्रांसमिशन करबा पाई आबे पुली बेल्ट चेन और रोप टाइप रो यूज करे जेतबाले शाफ्ट भितरे डिस्टेंस बहुत लेस थाए स्मॉल डिस्टेंस ए लिखि जे स्मॉल डिस्टेंस जेतबाले डिस्टेंस बहुत कम थाए सेतबाले आबे गियर और गियर ड्राइव रो अरेंजमेंट करू मने करो मु पुली रो अरेंजमेंट करके देखौ छी मने करो एटा मोर लार्जर पुली एटा मोर स्मॉलर पुली एठी मोर बेल्ट मूव करा पावर ट्रांसमिशन यूज कराए शाफ्ट भितर डिस्टेंस बहुत अधिका अच्छी तो ये जो पुली अरेंजमेंट रे मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हो पार 10 मीटर ओके मिनिमम डिस्टेंस हो पार 3.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली एटा मोर लार्जर पुली तार डायमीटर एटा कैपिटल डी डी होची डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली डायमीटर ऑफ लार्जर पुली एट हूँ स्मॉल डी हूँ डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली स्मॉलर पुली तो जेहेतु थर्ड पॉइंट आसला लेस वाइब्रेशन कौन जिते बड़े आम पुलीर अरेंजमेंट है कि पावर ट्रांसमिशन करवा तो से पुली जो शाफ्ट अच्छी शाफ्ट भितर डिस्टेंस बहुत ही अधिका थाए तो सेठी वाइब्रेशन चांसेस बहुत अधिका किंतु जिते बड़े नौचे गियर अरेंजमेंट गियर भितर शाफ्ट र डिस्टेंस बहुत ही लेस सो एटि गियर अरेंजमेंट रे पावर ट्रांसमिशन कला बेले कम वाइब्रेशन आसे पुली ठारु पुली अरेंजमेंट रे जो पावर ट्रांसमिशन करा जाए
एटा होची नोमेनक्लेचर ऑफ द गियर। नोमेनक्लेचर ऑफ द गियर माने होची गियर और टीथ रो डिफरेंट पार्ट्स को एटी देखा जाय छी आ सब गुडा को पॉइंट गोटोटी इंपोर्टेंट पॉइंट मु 1 बाय 1 एटी डिस्कस करिव। फर्स्ट पॉइंट देची पिच पॉइंट। मु टिके आगुरु कहली गियर होची गोटे होची ड्राइवर गियर आ गोटे होची ड्रिवन गियर। ड्राइवर गियर आ ड्रिवन गियर रो टीथ मेस करिथांती। एग्जांपल देखि मु डायग्राम देखि बुझौची एटा ड्राइवर गियर। गियरटा क्या होची ड्राइवर। एटा ड्राइवर गियर तो ड्रिवन गियर टीथ आसिकी एटी मेस कला। एटा ड्रिवन गियर एटा ड्रिवन गियर एटा ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर टीथ सहित ड्रिवन गियर टीथ मेस कला तो गोटे पॉइंट रे से माने टच करचंदी। एटी पॉइंट कांटेक्ट रे से माने आसंदी टीथ जो पॉइंट को आसे से पॉइंट को कहा जाए ना पिच पॉइंट। से पॉइंट को कहा जाए पिच पॉइंट। ओके तो एटी अ पिच पॉइंट पूछिले एबे जानिबा पिच सर्कल कोन। ते पिच सर्कल होची ना लोकस ऑफ द ऑल द पिच पॉइंट। पिच पॉइंट को देखी जो सर्कल टा हमर तैयारी हुए ताको पिच सर्कल कोआ जे। मींस मु एटा ड्राइवर गियर पई की पिच सर्कल ड्रा करबी तो कहली पिच सर्कल टा पिच पॉइंट देखी क्रॉस करबो। एटा हमर पिच पॉइंट हम जानिले ए जो दीटा पिच पॉइंट ताको देखी मु ड्राइवर गियर रो पिच सर्कल ड्रा करबी तो सर्कल टा केमती आसीबो। एटा होची पी सर्कल फॉर द ड्राइवर गियर। मु जे ड्रिवन गियर पी सर्कल करबी जेहेतु एटा हमरा पिच पॉइंट दे कि पी सर्कल जिवो तो सर्कल टा आसीबो। एटा होची पी सर्कल एटा ड्रिवन गियर पी सर्कल एटा ड्राइवर गियर पी सर्कल। एटा होची पीसी 2 एटा पीसी 1 तो सेति पे पिच पॉइंट हमरा कहूची पिच पॉइंट कहूची इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पी सर्कल। पिच पॉइंट होची दीटा जो पी सर्कल अच्छी पीसी 2 और पीसी 1 रे कॉमन कांटेक्ट पॉइंट को पिच पॉइंट कहा जाए। तापर जीबा पी सर्कल डायमीटर। पी सर्कल डायमीटर कौन से जो पी सर्कल हम ड्रॉ करले से जो ए जो सर्कल टा हम ड्रॉ हैला तो गियर टा हमर कौन सर्कुलर सेक्शन का सेंटर पॉइंट अच्छी से जो सर्कल टा रो डायमीटर को कहा जाए। से सर्कल रो डायमीटर को कहा जाए पी सर्कल डायमीटर। इटा डायमीटर टा बाहला पी सर्कल से डायमीटर को कहा जाए पी सर्कल डायमीटर। पी सर्कल डायमीटर को होची इट इज द डायमीटर ऑफ द पी सर्कल। जो पी सर्कल बाहला ता डायमीटर को कहा जाए पी सर्कल डायमीटर। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पी सर्कल डायमीटर। तापर जानिबा अडेंडम कोन। अडेंडम होची तमर एटा बाहला पी सर्कल। अडेंडम होची इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पी सर्कल एंड टॉप ऑफ द टीथ। एटा होची टॉप ऑफ द टीथ। एटा होची हमरा पी सर्कल। से जो रेडियल डिस्टेंस टा बाहरिला से डिस्टेंस टा को कहा जाए अडेंडम। माउथ रे एटी डायग्राम नीट करके तुमको भल से बुझौची। मोर एटा ड्राइवर गियर टीथ वो एटी कहली जेटा पिच पॉइंट पछि पिच पॉइंट देकी हमर पी सर्कल गला। ओके तो अडेंडम होची ये जो पी सर्कल रो टॉप ऑफ द टीथ रो जो डिस्टेंस टा को कहा जाए अडेंडम। तो अडेंडम इटि लिखी छी अडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पी सर्कल टू द टॉप ऑफ द टीथ। तन देन बुझी पा डिडेंडम कोण। डिडेंडम होची इट इज द रेडियल डिस्टेंस इन बिटवीन द पी सर्कल एंड बॉटम ऑफ द टीथ। एटा टीथ रो बॉटम पार्ट तो एटा पी सर्कल ता भीतर जो डिस्टेंस टा होची सेटा होची डिडेंडम। डिडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पी सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टीथ। तापर जेबा अडेंडम सर्कल। अडेंडम सर्कल होची तमर जेते सब टीथ अछि एटा ओरे टीथ अछि एम जे टीथ अछि गियर अडेंडम सर्कल होची टीथ रा अपर पार्ट टॉप सरफेस को लेके जो सर्कल टा करे ताको कहा जे अडेंडम सर्कल। एटा हमर रहिला अडेंडम। ए डिस्टेंस को कहा जे अडेंडम। अडेंडम सर्कल कहा जे अडेंडम रे जो टॉप सरफेस रहि छे टीथ रो टॉप सरफेस ताकु नीक जो सर्कल टा हमर कंसिडर सेला ताकु कहा जे अडेंडम सर्कल। इट इज द सर्कल। इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ एंड इज कंसेंट्रिक विद द पी सर्कल। तापर पुछिबा डिडेंडम सर्कल कोन। डिडेंडम सर्कल होची ना टॉप ऑफ द टीथ को नीक जो सर्कल टा कंसिडर सेला ताकु कहा जे अडेंडम सर्कल।
डिडेंडम सर्कल होची बॉटम ऑफ द टीथ। बॉटम ऑफ द टीथ को लेके जो सर्कलटा हमर कंसिस्ट्स हुए सेटा होची डिडेंडम। डिडेंडम होची इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ, बॉटम ऑफ द टीथ एंड इज कंसेंट्रिक विथ द पिच सर्कल। एबे जानिबा सर्कुलर पिच कौन। सर्कुलर पिच होची सर्कुलर पिच सर्कुलर पिच इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल। मुझे पिच सर्कल कंसीडर करी पिच सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द पिच सर्कल ये सर्कमफेरेंस थाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टीथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टीथ टू द करस्पंडिंग पॉइंट ऑफ टेस्ट टीथ। ये जो डिस्टेंस टाक आम कहे सर्कुलर पिच इटा हूँ सर्कुलर पिच। तापर आसला क्लीयरेंस। क्लीयरेंस कौन एटा होची हमर ड्राइवर गियर टीथ। ए जो टीथटा है एटा ड्राइवर गियर टीथ। ड्रिवेन गियर टीथ आसिकी एठी मेस कला एटा ड्रिवेन गियर टीथ। ड्राइवर गियर टीथ ड्रिवेन गियर टीथ जो मेस कले ए जो गैपटा रहिला से गैप को कहा जाए हमर क्लीयरेंस। द क्लीयरेंस इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ। रेडियल डिस्टेंस कहाँ का भीतर है ना टॉप ऑफ द टीथ ए टीथ रो टॉप एंड टॉप ऑफ द टीथ टू द बॉटम ऑफ द टीथ ऑफ द मेसिंग गियर जो मेस कर बॉटम एटा बॉटम पार्ट एटा टॉप पार्ट जो गियर से जो एरियाटा रहिला जो गैपटा रहिला से गैप को आजे क्लीयरेंस। तापर जीपा टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ कहाँ को आजे टोटल डेप्थ होची हमें जानी जो पीस सर्कल रो टीथ रो ऊपर पर्सन को कहा जाए एडेंडम। टीथ रो बॉटम टू पीस सर्कल टू बॉटम रो जो डिस्टेंस टा अच्छी ताकु कहा जाए डिडेंडम। डिडेंडम तो एडेंडम प्लस डिडेंडम जो टोटल डिस्टेंस टा को कहा जाए हमारो टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ इक्वल टू इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम दिस वन इज एडेंडम एंड डिडेंडम सर्कल ऑफ ए गियर एंड डिडेंडम। टोटल एडेंडम प्लस डिडेंडम कले आम जापर ये टोटल डेप्थ। एवं जानवा वॉकिंग डेप्थ आम जानी ये यहाँ हूँ टोटल डेप्थ ये जो डिस्टेंसटा हूँ टोटल डेप्थ ये आम पाइले कौन क्लीयरेंस जो टोटल डेप्थ रू मु क्लीयरेंस टाक माइनस करदेवि जो एरियाटा रहा जो रेडियल डिस्टेंसटा रहा से डिस्टेंस को आम कहे वॉकिंग डेप्थ। यहाँ हूँ टोटालटा हूँ टोटल डेप्थ ये हूँ क्लीयरेंस मु टोटल डेप्थ रू जो क्लीयरेंस को माइनस करदेवि तो सेटा बाहरी जीवो मोर वॉकिंग डेप्थ। मॉड्यूल मॉड्यूल कौन मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ द पी सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ द टीथ। मॉड्यूल कौन मॉड्यूल हूँ स्मॉल लेम को आम रिप्रेजेंट करुचे। मॉड्यूल हूँ इट इज द रेशियो ऑफ पी सर्कल डायमीटर बी हूँ आम पी सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ईयर। देन नेक्स्ट फिफ्थ 13 पॉइंट डायमेटेरियल पिच। डायमेटेरियल पिच होची इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर। डायमेटेरियल पिच को हमें दोचे पीडी जोटा कि डायमेटेरियल पिच पी फॉर पिच डी फॉर डायमेटेरियल पीडी इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टीथ नंबर ऑफ टीथ को हमें दोचे कैपिटल डी टू द पिच सर्कल डायमीटर टू द पिच सर्कल डायमीटर कैपिटल डी। तापर आसला टीथ थिकनेस। टीथ थिकनेस कौटू के ना आम जाणिले ए डिस्टेंस टीथ रो ए डिस्टेंस रो ए डिस्टेंस को आम कहे सर्कुलर पिच। टीथ थिकनेस होची गोटे टीथ रो एउठू करस्पोंडिंग पॉइंट को आउ गोटे टीथ रो जो डिस्टेंस टा रहिला सेटा होची ए से डिस्टेंस को आम कहे टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस होची इट इज द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर एलोंग द पिच सर्कल। तब जी टॉप ग्लैंड। टॉप ग्लैंड कौन एटा टीथ टीथ ये जो एरिया टा को कहा जाए ये जो सरफेस टा को कहा जाए टॉप ग्लैंड ये जो सरफेस ऊपर सरफेस टा को कहा जाए टॉप ग्लैंड। तब जी पीच सरफेस। पीच सरफेस कौन
सरफेस और एटा गोटे टीथ रहिला तार पीच पॉइंट क्रिएट हेला ए सरफेस को कहा जाए पीच सरफेस। पीच सरफेस रो अपर पर्सन को कहा जाए फेस। पीच सरफेस रो लोअर पर्सन को कहा जाए फ्लैंक। पीच सरफेस रो लोअर पर्सन को कहा जाए फ्लैंक। तापर रहला फेस विड्थ। फेस विड्थ हो जी इट इज द विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर पैरेलल टू इट्स एक्सिस। फेस विड्थ हो जी तमरो ए जो डिस्टेंस रहला एउठ एति कि जो डिस्टेंस टा रहला ए डिस्टेंस को कहा जाए फेस विड्थ। तापरे प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल होची ताको आमे रिप्रेजेंट करूची फाई। प्रेशर एंगल रो स्टैंडर्ड वैल्यू होची 14.5 डिग्री और 20 डिग्री। प्रेशर एंगल कौन प्रेशर एंगल हो एंगल जो कि आम दीटा टीथ अच्छी टीथ रहा मोर पी सर्कल। प्रेशर एंगल हो एंगल जो टैंजेंट टैंजेंट लाइन आउ गए नॉर्मल एक्सिस लाइन भितर जो एंगलटा क्रिएट करे ताको कहा जाए प्रेशर एंगल। एबे जीबा फॉर्मूला वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करने जिते सब फॉर्मूला यूज कराई वन बाय वन मुझे डिस्कस करी। फर्स्ट पॉइंट आम जाने डी हूँ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इट इज रिटन दैट इट इज द डायमीटर ऑफ द पी सर्कल। डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पी सर्कल। टी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। देन फर्स्ट पॉइंट मॉड्यूल इक्वल टू मॉड्यूल को आम रिप्रेजेंट करूचे मॉड्यूल इक्वल टू स्मॉल एम इक्वल टू डी बाय टी। डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पी सर्कल। टी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर। सेकेंड पॉइंट इट इज रिटेन डाई मटेरियल पिच। डाई मटेरियल पिच को आम रिप्रेजेंट करूचे पी सफिक्स डी इक्वल टू इट्स जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल वन बाय एम इक्वल टू वन बाय डी बाय टी इक्वल टू टी बाय डी। देन थर्ड पॉइंट सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच इज रिप्रेजेंट बाय पी सी इक्वल टू फॉर्मूला पाई डी बाई टी। देन फोर्थ पॉइंट अडेंडम। अडेंडम इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ए इक्वल टू इट इज इक्वल टू एम मॉड्यूल। देन फिफ्थ पॉइंट दैट इज डिडेंडम। डिडेंडम इक्वल टू इट्स रिप्रेजेंट बाय स्मॉल डी। डिडेंडम इक्वल टू 1.157 m. Then sixth point. Then sixth point, addendum circle diameter. Addendum circle diameter को आप represent करोचे DA equal to D plus 2A. कहें कि D plus 2A है ना? तो हमारा teeth का center point ऐट है. इट रहेला P circle. पी सर्कल ता ऊपर रहिला अडेंडम सर्कल एटा जे टॉप ऑफ द टीथ एटा रहले डिडेंडम सर्कल एटा बॉटम ऑफ द टीथ। मु जेतेले बाहर करबी अडेंडम सर्कल माने डिस्टेंस होची उठु एति की एटा को हो जे डीए। अडेंडम सर्कल रो डायमीटर इक्वल टू कोण ना पी सर्कल रो डायमीटर उठु एति की पी सर्कल रो डायमीटर एटा पी सर्कल रो डायमीटर डी युट एति के होची ए अडेंडम एटा पी ए तो टोटल टा हे गला बी। टोटल डायमीटर टा टोटल डायमीटर इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू डी प्लस 2 ए। तो अडेंडम सर्कल रो डायमीटर फार्मूला इक्वल टू डी प्लस 2 ए। डिडेंडम सर्कल रो डायमीटर डिडेंडम सर्कल रो डायमीटर इक्वल टू इनर सर्कल डिडेंडम सर्कल रो डायमीटर डिडेंडम सर्कल डायमीटर फॉर्मूला डी माइनस टू डी। सेम आम टोटल टा होची पी सर्कल डायमीटर टा होची डी एटा होची कैपिटल डी माइनस मो ए गैप टा और एठी जो गैप टा एटा डी
माइनस करदेबी तो हो टू डी यहाँ हो डिडेंडम सर्कल रो डायमीटर सेवेन्थ फर्मूला देन जीवा एट नंबर ना टोटल डेप्थ इक्वल टू टोटल डेप्थ इक्वल टू अडेंडम प्लस डिडेंडम देन क्लियरेंस इक्वल टू ना डिडेंडम माइनस अडेंडम देन टेन पॉइंट वर्किंग डेप्थ इक्वल टू ना टोटल डेप्थ माइनस क्लियरेंस इक्वल टू वर्किंग डेप्थ इलेवेन पॉइंट रोचे टूथ थिकनेस इक्वल टू टीटी इक्वल टू सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाय टू फॉर्मूला गुडाक जान लें एवं गोटे प्रोब्लेम थ्रो आम जाना केमी सल्व कराई और केमी टूथ र कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल रो कंस्ट्रक्शन करा जाए छी क्वेश्चन ने दी छी ए गियर व्हील हैज 24 टीथ डाटा गिवन टीथ नंबर इक्वल टू टी इक्वल टू 24 एंड सर्कुलर पिच को हमें डोनेट करिचे सिंबल रिप्रेजेंट करिचे पीसी इक्वल टू 33 एंड प्रेशर एंगल इक्वल टू 20 डिग्री प्रेशर एंगल को हमें रिप्रेजेंट करिचे फाय इक्वल टू 20 डिग्री तो तापर क्वेश्चन कहे सेट द भारियस सर्कल माने अडेंडम सर्कल डिडेंडम सर्कल पी सर्कल सब फाइंड आउट करके किछटा टीथ हमें ड्रा करबा तो केमती करबा फॉर्मूला में केमती एटा डाटा गिवन हमें पाई गले एतिके हमर डाटा गिवन अछि 1 बाय 1 मु कैलकुलेशन करबे तो हमर जेते पीसी दे छि 33 पीसी इक्वल टू 33 तो पीसी इक्वल टू पीसी रो फार्मूला पाई डी बाय टी इक्वल टू 33 देन टी इज गिवन 24 तो डी इक्वल टू 33 इनटू टी बाय पाई इक्वल टू 33 इनटू टी वैल्यू इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय पाई डी इक्वल टू 252 mm तो डी इक्वल टू 252 mm द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इक्वल टू मॉड्यूल इक्वल टू डी बाय टी वी आर गेटिंग डी इक्वल टू 252 बाय टी इक्वल टू 24 इक्वल टू इट विल बिकम्स 10.5 द नेक्स्ट थ्री नंबर डायमेटेरियल पिच डायमेटेरियल पिच इक्वल टू पीडी इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द मॉड्यूल इक्वल टू 1/10.5 इक्वल टू इट विल बिकम्स 0.0952 देन फोर नंबर अडेंडम इक्वल टू मॉड्यूल इक्वल टू 10.5 देन फिफ्थ पॉइंट डिडेंडम इक्वल टू 1.157 इंटू एम इक्वल टू 1.157 इंटू 10.5 इक्वल टू इट विल बिकम्स फिफ्थ नंबर डिडेंडम इक्वल टू 12.14 mm द नेक्स्ट तुम ये जमी प्रोब्लेम सल्व कली बहुत गुड़े पॉइंट मुझे सल्व कली आ प्रिवियस स्लाइड में बहुत गुड़ाक फर्मूला मुझे बतई देती से फर्मूला को बेस करके जहाँ सब डाटा अच्छे तुम्हें फाइंड आउट कर यहाँ हूँ गोटे वन वे कम्युनिकेशन तो तुम जहाँ भी डाउट रो मत बाय व्हाट्सएप नंबर यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर ये नंबर में मत कांटेक्ट करके एनी डाउट तुम्हें पचारि पार थैंक यू झीटटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथाटी से आगक गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे ना एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से झील मानू आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मगणारे जोगई दे सब प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफल मु कुशल मु सुदक्षा आमे सुदक्षा।